विश्व के सबसे बड़े संविधान का निर्माण आज 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जिसको 26 नवंबर को लागू कर भारत को सबसे बड़े संवैधानिक देश का दर्जा मिला, जिसकी याद को अक्षुण बनाए रखने आज देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद द्वारा गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दूरदर्शन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया, जिसका प्रसारण सभी केंद्रों में किया गया था। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कलेक्टर इलाराजा टी के उपस्थित में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारी द्वारा प्रस्तावना का वाचन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी को संविधान की मूल भावना के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में एडीएम मीला तिवारी, सीएमएचओ डॉक्टर एम एल गुप्ता सहित एसडीएम एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी। अपॉर्चुनिटी और स्टेटस को इक्वालिटी देने के लिए कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ, इस नाम से ना कोई भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब आप इस आधार पर ना किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, राइट। इसको एक मूल भावना है, उसके आधारित ही ना हमारी ना पूरी चीजें चलती है। सो फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड ऑफ द डे मतलब हमारी कंट्री का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है ना, उसके आधार पर है ना ये प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल के अंदर फिर आप सारे चीजें हैं। मेरे हिसाब से आपको सभी लोगों को ना, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर ही वोट लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संकल्प लेकर हम लोग ना हमारा काम करते हैं। आज हम लोग ने संकल्प लिया है, एक एक चीज को है ना हमको दिल में और दिमाग में रखते हुए हमको काम करना चाहिए। संविधान के प्रति एक समर्पण भावना, वही देश के लिए देने वाला सम्मान होती है, राइट। जब हम काम के प्रति भी आप संविधान को अडॉप्ट करेंगे तो मुझे लग रहा है निश्चित है ना लोगों के लिए फायदा ज्यादा होगा।